Good morning, all the students. How are you all? I hope you all are very safe and fine. So, Standard 6th, Subject English Grammar. Today's topic is Direct and Indirect Speech. This topic we learn from our grammar textbook, English Grammar and Composition textbook. So all the students, please open your grammar textbook, page number 114. In the last video, we learned about direct and indirect speeches rule, that which type of rule we follow for the direct speech into indirect speech conversation. Then we stop through the rule 3 and now continue in this video from rule 3, that is on page number 115. Third rule, we all know that first rule is the reported verb in the present or future tense. In verb in the reported speech is not changed. Then second, if the reporting verb is in the past tense, verb is reported speech also change in the past tense. And it's some example which we learn and understand in last video. Now go for the next rule. You all have to this whole topic write down in your grammar notebook. So जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था वहीं से आपको कंटिन्यू करना है इस थर्ड रूल को. उसके बाद एक्सरसाइज भी लर्न करनी है इसी टेक्स्ट बुक में से. सो देखते हैं रूल फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड विथ मी केयरफुली एंड देन यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल द टॉपिक इन ग्रामर नोटबुक एंड यू हैव टू फिल अप द एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो. So let's understand rule 3. If the reported speech contains some universal or habitual facts, then the simple present in the reported speech is not changed into the corresponding simple past but remain unchanged. So hum dekhte hain ki kya hota hai. यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट है देन द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज. यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस अगर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगी तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट बट रिमेन अनचेंज्ड. ओके देखते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हम सबको पता है कि ये सेंटेंस द टीचर सेड इनडायरेक्ट में क्या होगा सेड का सेड के बाद दैट का एड होगा. So the teacher said that honesty का H जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में से स्मॉल हो जाएगा और इन्वर्टेड कोमा निकल जाएगा. honesty is the best policy क्योंकि ये जो है वो कॉट है और हैबिचुअल फैक्ट है उसमें कोई भी चेंज हो सकता नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. ये हमको याद रखना है. देन गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये भी फैक्ट है अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू ही मूव करता है. सो उसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. सो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा ही सेड दैट के साथ कंटिन्यू करना है और सेंटेंस को एड करना है. सो दैट लगेगा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा यानी कि
ध का जो टी है वो स्मॉल हो जाएगा। ये सभी में कॉमन रूल है कि इन्वर्टेड कोमा निकलते ही उसके जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में से स्मॉल हो जाएगा। देन थर्ड एग्जांपल, ही सेड गॉड मूव्स ऑल थिंग्स बिलो। ओके, सो उसमें भी ऐसे होगा, सी सेड दैट गॉड मूव्स ऑल, गॉड का जी कैपिटल किसके लिए आया, क्योंकि गॉड है वो यूनिवर्सल है, वन है, इसीलिए गॉड जो है वो जी, गॉड का जो जी अल्फाबेट है वो कैपिटल ही होगा। गॉड मूव्स ऑल थिंग्स बिलो, क्लियर। सो दिस इज द रूल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज, यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड 1 to 10 सेंटेंसेस ऑफ द changing direct to indirect speech. You have to write down in your grammar notebook also. So change the following sentence from direct to indirect speech. इसमें जो first example दिया गया है, first sentence है direct speech का, my father said I cannot find my purse. So यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, माय फादर सेड, कोमा को निकाल के दैट, आई स्मॉल, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स माय के प्लेस पे क्या हो जाएगा, हीज पर्स। देन सेकंड सेंटेंस, रोबिन सेड आई एम लुकिंग फॉर माय क्लास नोटबुक, Robin said that he was looking for his class notebook. Then third, I haven't taken a bath yet, said my sister. अब यहाँ पे देखो, कोई चेंज नहीं होगा अगर सेंटेंस फर्स्ट आ जाएगा और किसको बताता है, said वाला सेंटेंस बाद में आएगा, तो वही इनडायरेक्ट के लिए वही रूल्स कंटिन्यू फॉलो होगा, माई सिस्टर सेव दैट, देन कोमा निकल जाएगा, सी का एस जो है वो स्मॉल आ जाएगा, सी हैडंट टेकन अ बाथ टिल धैन। ओके, नाउ फोर्थ टू टेंथ सेंटेंस यू हैव टू राइट डाउन एंड चेंज इनडायरेक्ट स्पीच ओन सेल्फ। ओके, देन ऑन न्यू पेज यू हैव टू राइट डाउन रूल्स फोर। अब रूल्स फोर में क्या है हम देखते हैं, ये पूरा आपको राइट डाउन करना है ग्रामर की नोटबुक में और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज को फिलअप करना है। देन फोर्थ रूल है प्रोनंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब। प्रोनाउन है वो चेंज कैसे होगा ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है फोर्थ रूल का, जॉन सेड आई एम बिजी। ओके, देन इनडायरेक्ट के लिए होगा, जॉन सेड दैट, कोमा को निकल के आई की जगह पे, आई प्रोनाउन की जगह पे होगा ही, ही का जो एच है वो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि इनवर्टेड कोमा निकल गया है, ही वॉज बिजी। देन सी सेड आई हैव डन माई वर्क, सी सेड दैट, आई की जगह पे सी, सी हैव डन की जगह पे हैड डन, माई की जगह पे हर और वर्क, क्लियर। सो दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। देन गो फॉर द फिफ्थ रूल्स, प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द नाउन एंड प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब। इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को बता रहा है, क्यों, इसीलिए उसमें नो चेंज, उसके बाद का जो प्रोनाउन है
उसमें चेंज होगा नाउन और प्रोनाउन। देखते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जांपल है हरीश सेड टू मी, हरीश ने मुझे कहा यू आर रॉन्ग। उसका इनडायरेक्ट केस बनेगा हरीश सेड की जगह पे क्या जाएगा, सेकंड पर्सन को बोल रहा है इसलिए टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सेड की जगह पे ओल्ड टाइम टोल्ड ही होगा क्योंकि वन पर्सन है वो थर्ड पर्सन को बोल रहा है। हरीश टोल्ड मी दैट यू की जगह पे आई वॉज रॉन्ग। देन गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाली सेड टू अशोक, बाली ने अशोक से कहा यू आर अ गुड बॉय। अब बाली जो है वो हमारे से सेकंड पर्सन होगा और अशोक जो है वो थर्ड पर्सन होगा, यानी कि हमें याद रखना है कि सेकंड और थर्ड पर्सन की जब बात की गई हो तब फर्स्ट नाउन में चेंज नहीं होगा, उसके बाद डेट के बाद का जो प्रनाउन है उसमें चेंज होगा। बाली सेड की जगह पे टोल्ड आएगा, बाली टोल्ड अशोक दैट ही वॉज अ गुड बॉय। क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ टू नाउन और प्रोनाउन आर चेंज इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। नाउ गो फॉर द सिक्स्थ रूल, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेम कहाँ पे होगा, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच, जो अब थर्ड पर्सन की जब बात की गई हो तब हरीश सेड टू मी, हरीश सेड की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, हरीश टोल्ड टू मी दैट ही इज इल। अब ही वॉज इल, ओके प्रेजेंट में से पास्ट हो जाएगा। बट नो चेंज ऑफ द पर्सन मेड व्हेन स्पीच इज रिपोर्टेड टू द पर्सन टू हुम इट वॉज फर्स्ट एड्रेस्ड। वो कैसे होगा देखते हैं। हरी सेड टू यू, हरी सेड की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, हरी टोल्ड यू दैट यू आर रॉन्ग, क्योंकि उसी पर्सन को बता रहा है इसके लिए जो रिपोर्टेड है उसमें, रिपोर्टेड पर्सन है हुम इट वॉज फर्स्ट एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस किया गया है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस रूल को। नाउ नेक्स्ट रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके रखना है और यहाँ तक केयरफुली लर्न करके रखना है। थैंक यू।